हब बेयरिंग चेंज करने के लिए स्पिंडल को ओपन किया जा रहा है। इसे भी सेपरेट करके लेथ पे ले जाया जाएगा ताकि वहाँ इसमें बेयरिंग को प्रेस के साथ फिट किया जाए। जब भी आप देखते हैं ऐसे नकल को सस्पेंशन से लदा किया जा रहा है। बैरिंग को चेक किया गया, बैरिंग इसका प्ले दिया और वो आवाज चुका है। अभी सबसे पहले नकल में से इसको हब को अलहदा किया जाएगा प्रेस के साथ। आप देख रहे हैं लेथ मशीन के प्रेस में से एडजस्ट किया गया। ये अभी समझदारी प्रेस को सेंटर से रखा दी जा रही है इसमें। आम मैकेनिक्स होते हैं हैमर के साथ या हथौड़े के साथ इसे चोट लगा के बैरिंग को बाहर निकाल लेते हैं, या हथौड़े के साथ ही इसे डाकत में आते हैं, वो बड़ा एक्सपर्ट समझते हैं, लेकिन ये बैरिंग को ख़राब कर देते हैं। इसका प्रॉपर फंक्शन या प्रॉपर तरीका कार ये कि इसे प्रेस से निकलवाया भी जाए बैरिंग को, और इसे प्रेस भी दोबारा नया जब इंस्टॉल करें तो उसे प्रेस के साथ ही डाला जाए। ये देखें अभी से बैरिंग को भी प्रेस के साथ नकल में से निकाला जा रहा है ताकि नकल के जो इनर है वो डैमेज ना हो। ये देख रहे हैं बैरिंग को प्रेस के साथ निकाल लिया गया है। ये पुराना बैरिंग इसमें से निकाला गया, देख सकते हैं आप। अब जैसे प्रेस से निकाला गया इसी तरह इसे दोबारा फिक्स किया जाएगा। ये देख रहे हैं ब्रांड न्यू वायरिंग है जिसे नकल में फिट करने के बाद इसमें हब फिट किया है। ये देख रहे हैं आप प्रेस के साथ इसे, इसके पहले अलाइनमेंट सेट की जा रही है। अलाइनमेंट सेट करने के बाद इसे प्रेस किया जाएगा। ये प्रेस किया जा चुका है। अच्छा, जो प्रेस पे बैरिंग को फिट किया जाता है इसमें बैरिंग के ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बैरिंग फिट करने के बाद अब इसको नकल को सस्पेंशन के साथ अब नकल को फिट किया जा रहा है। जॉब तकरीबन कंप्लीट हो गई।